नमस्कार, मैं हूँ अल्फी और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दक्षिण कोरिया में एक विपक्षी नेता पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। बुसान शहर में विपक्षी नेता ली जे म्यूंग की गर्दन पर चाकू से हमला किया गया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख ली जे म्यूंग बुसान शहर के गाड़ियोंग द्वीप पर एक एयरपोर्ट के निर्माण स्थल का दौरा करने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने बाई तरफ से आकर उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया। दक्षिण कोरिया के एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक विपक्षी नेता पर हमला करने वाले शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।